क्वेश्चन मुझे नहीं पता। ऑब्जेक्टिव का फोर्थ वाला है ऑब्जेक्टिव क्या है बोलो। सिर्फ। हाँ बोलो। स्टोन थ्रो अपवर्ड हाँ विद स्पीड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेस द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी 3 यू द हाइट ऑफ द टावर इज। देखो बेटा यहां से हमने ऊपर की तरफ फेंका यू स्पीड से, ठीक है, और फाइनली वो पहुंचा कितनी स्पीड से, 3 u से। क्लियर है? तो u आपको, अब देखो ऊपर वाली साइड क्या ले ले हम, पॉजिटिव, तो u कितना है आपका u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है माइनस 3 u, a कितना है तो माइनस 10 माइनस जी। हाँ क्योंकि u की वैल्यू नहीं पता इसलिए g ले लेते हैं ना, और हाइट कितनी है s इक्वल्स टू फाइंड करनी है माइनस एच, क्योंकि हमने नीचे वाली साइड लिया है। क्लियर है? अब जो हमें फाइंड माइनस एच लिखना जरूरी, चलो एस हमें नहीं पता है, एस हमें नहीं पता है, तो नहीं पता है तो हमने क्या लिखा उसको एस ही रखा, एस हमें नहीं पता है, तो कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा? कितना है माइनस 3 u है ना, बात प्लस 2 माइनस जी इन टू एस, तो देखो ये कितना हो जाएगा 9 u स्क्वायर प्लस 2g जो माइनस 2g है, तो वहां पे जाके ये 8 u स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका देखो कितना आ जाएगा 8 u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gs, 2 से कैंसिल कर दें मुझे नहीं पता यार वो जादू। तो ये एस की वैल्यू है ना, और एस की वैल्यू कैसी आई माइनस माइनस का क्या मतलब है कि वो नीचे की साइड है। क्लियर है? तो मेरा भी यही आंसर आ रहा था, लेकिन सर जो आपने आंसर की में से डिकोड करके लिखा था सब, तो हाँ सर आंसर गलत दिया था। चलो तो 9 u स्क्वायर पॉजिटिव है, नहीं नहीं क्वेश्चन सुनो सुनो सुनो, वो क्वेश्चन अलग है, आप जो बोल रहे हो ऐसा नहीं है वो क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन ये है इसमें एक्सीलरेशन माइनस 10 नहीं ले सकते, 10 ले सकते हो लेकिन बेटा बाकी वैल्यू, वो क्वेश्चन ये है बेटा कि यदि आपने इस पार्टिकल को यू स्पीड से फेंका, ठीक है, और दूसरे पार्टिकल को 3 u स्पीड से फेंका, तो वो कितनी हाइट तक जाएगा, ये होगा क्वेश्चन। नो सर ये नहीं है सर, अलग ये नहीं है। अच्छा ठीक है, उसको मैं देख लूंगा, है ना सर, मैंने तो रीड करके बताया था सर, वही सेम था। हाँ ठीक है, तो उसका आंसर समझ गए ना क्या होगा? यस सर। हाँ इतनी हाइट इतनी स्पीड से जाए मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा। ठीक है चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम, आप एक दो सारे क्वेश्चन का आंसर प्लीज से दस, ठीक है उसको मैं चेक कर लूंगा आंसर को। आंसर उसका 8 है 4 ही इसका। अगर सर इस क्वेश्चन में सर थ्रोंग की जगह ड्रॉप्ड होता तो सर जो आपका आपने यू पॉजिटिव लिया है यू को जीरो लेते हैं, नेगेटिव आता नहीं, ड्रॉप किया मतलब इनिशियल स्पीड तो हमने कुछ दिया ही नहीं है ना, बट बस छोड़ दिया है, तो यू जीरो है, तो यू जीरो है, तो फिर प्लस माइनस का कोई मैटर ही नहीं है, है ना। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है, थोड़े से टफ क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, आज हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़ा आगे का पढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन कुछ अच्छे हैं, ये वाले करो। ये वाला सर वो सेकंड के पीछे कुछ लिखा, तो सेकंड के पीछे सेकंड सर हाइट और सेकंड क्या है, क्या है? अच्छा हाइट h लिख लेते हैं, हाइट h इस सर सेकंड 3 सेकंड, एक मिनट इसका ऑप्शन में लिख देता हूँ, आप प्लीज इसका सब लाइए क्वेश्चन ई बाय टू है सर, ठीक है। अब देखो अब आपका क्या है ना, थोड़ा सा साइकोलॉजी इफेक्ट होता है, आप लोग यदि ये यही वैल्यूज कैसी हो एच में और टी टी में है,
तो आप लोग क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। ये सेम क्वेश्चन हम करते हैं, यदि हम हाइट को रिप्लेस कर दो आप 45 मीटर से, या 45 ने आप ले लो 180 मीटर, कितनी ले लो 180 मीटर है ना। तो अब सॉल्व करो तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। बस हाइट को किससे रिप्लेस कर दो, 180 मीटर से। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, इसको हमने कोई पार्टिकल, इसकी हाइट कितनी गिवन है सर, हम h को 180 मीटर को चेंज कर सकते हैं 180 मीटर। हाँ देखो 180 है ना। अब यदि हमने एक पार्टिकल को क्या किया, ड्रॉप किया, रिलीज किया, तो इसको आने में कितना टाइम लगता है, t टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है t, है ना। तो पहले हम t की वैल्यू निकाल लें, तो देखो u कितना है आपका सर, 0 0 है, 0। a कितना है -10, s कितना है 180 -180। t की वैल्यू हमें फाइंड करना है, कौन सा इक्वेशन सही रहेगा, सेकंड इक्वेशन, सेकंड ut plus 1/280 स्क्वायर। तो -180 equals to 0 plus 1/2 -10 into t स्क्वायर। तो t का वैल्यू देखो कितना आएगा, 6 सेकंड, कितना आएगा 6 सेकंड। अब हमें पूछा है t/2, मतलब t/2 कितना होगा, देखना है हमें, तो 3 सेकंड में देखो ये कितनी हाइट पे होगा, निकाल सकते हैं। तो देखो अब वापस से हम क्या करते हैं, वापस इक्वेशन लगाते हैं, u कितना है 0, a इक्वल्स टू -10, s कितना हमें फाइंड करना है, और टाइम कितना दिया है 3 सेकंड। कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा, वही सेकंड सेकंड। तो s इक्वल्स टू 0 -1/2, ठीक है, a कितना है -10, और t स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो s इक्वल टू कितना आया -45, कितना आया s इक्वल टू आ गया आपका -45 मीटर, मतलब वो कहां पर कितना, तो इसका ऑप्शन a हो जाएगा, a ऑप्शन। सुनो ये कितना आया 45, लेकिन हाइट हमेशा कहां से लेते हैं, नीचे से, नीचे से, तो कितना आएगा सर, ऑप्शन डी हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। देखो नहीं वैसे ही करना है, वैसे ही करना है, वही मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को देखो ये दिए मैं नंबर दे दिया ना, तो आपके लिए देखो कितना इजी हो गया। अब अपन h से सॉल्व करते हैं, क्लियर है, yes, sir। हाँ इसमें किसी को कोई डाउट था, बेटा इन्होंने बोला है ना वेयर विल बी बॉल आफ्टर t/2 सेकेंड, t/2 पे कहाँ पे होगा, ठीक है, बेटा इस इक्वेशन को देखो, अब देखो इसको बेटा ये देखो 2 से 5 10 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, ये होगा, इससे डिवाइड करोगे माइनस से माइनस 180/5 इक्वल्स टू t स्क्वायर, 36 इक्वल्स टू t स्क्वायर, t इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। सर क्लियर, सर सर आप एक बार ऑप्शंस को समझा सकते हो, उसमें बोला क्या है कि देखो एक ये बोला है बेटा कि यदि हमको गिराने में पार्टिकल को गिराया तो t टाइम में नीचे आया, कितने टाइम में t टाइम, तो t/2 पे कहां पे होगा, तो t/2 पे कहीं पे यहां पे होगा, Yes, sir। तो वो निकालना है वो कितनी हाइट पे होगा, तो ए ऑप्शन सही होगा ना, 3/4 पे होगा ना, नहीं बेटा ए ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि 3 जो आंसर आया हमारा 45 ये वाली हाइट आई है आपकी, ये वाली 45, लेकिन आपको तो ग्राउंड से लेना है ना, लिखो कहाँ लिखा है बताओ, फ्रॉम द ग्राउंड लिखा है ना सर, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, तो वो देखो है ना, हो सकता है पूछे कि फ्रॉम द टॉप पूछा जाता तो आंसर 45 सही होता। तो देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है, तो सर ये 180 वाले में तो 135 आंसर होगा, हां 135 होगा, ठीक है। अब अपन h वाले में करते हैं, देखो वही चीज, बिल्डिंग बनाया, ठीक है, अब यहां से पार्टिकल को क्या किया, ड्रॉप कर दिया तो ऊपर वाली साइड में ले रहा हूं पॉजिटिव, है ना, तो u कितना है बेटा 0,
ए कितना है माइनस जी, एस कितना है माइनस एच, और टाइम हमें निकालना है. कौन सा इक्वेशन सही रहेगा? सेकेंड वाला. तो देखो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस वन बाई ए टी स्क्वायर, है ना. तो माइनस एच इक्वल्स टू जीरो प्लस वन बाई, अर्थ ऊपर अट्रैक्ट कर रही है क्या हवा में? अर्थ किधर अट्रैक्ट कर रही है? सर एक बार वापस समझा दो. देखो बेटा, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, पूछा है कि वो टी टाइम में नीचे आता है. कितने टाइम में आता है? टी टाइम में. तो टी बाई टू टाइम में कहां पे होगा? आ गई बात समझ में? क्लियर है? हाँ. तो देखो पहले हम क्या निकालना है, टी टाइम निकालना है. ठीक है, तो देखो यहां से माइनस कैंसिल, तो टी इक्वल्स टू कितना आएगा? रूट 2h by g. टाइम कितना मिला हमें? रूट 2h by g. क्लियर है? अब हमें टाइम निकालना है, किस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है? t by 2. तो इसका by 2 कर दोगे तो कितना आएगा? 1 by 2 रूट 2h by g. क्लियर है? तो अब हम वापस से गिवन लिखते हैं. वापस से क्या करते हैं? गिवन लिखते हैं. तो देखो, हाँ, तो देखो यू कितना है हमारा? जीरो. ए कितना है? माइनस जी. डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है, और टाइम की वैल्यू कितनी लेना है अब हमें? रूट टू एच अपॉन जी, वन बाय टू रूट टू एच अपॉन जी. तो कौन सा इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन. तो एस इक्वल्स टू कितना आएगा? यू तो जीरो है, प्लस 1 by 2, a कितना है? माइनस जी, और टी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर देखो कितना होगा. डायरेक्टली लिख दूं बेटा? चलो डायरेक्टली नहीं लिखता हूं, 2h by g का होल स्क्वायर. तो देखो माइनस 1 by 2 g इंटू इसका होल स्क्वायर देखो कितना होगा? 1 by 4 इंटू इसका रूट हट जाएगा 2h yes, by sir, g. 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल. तो बचेगा क्या? 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, h by 4. तो s इक्वल टू कितना आया? माइनस h by 4. मतलब वो कहां पर है? ये वाली हाइट कितनी है आपकी? h by 4. तो नीचे से कितना होगा? 3h/4. हाँ ठीक है. अब देखो यही चीज आपको नंबर दी हुई थी तो आपको इजी लगता है, और वही चीज यदि हमने h बोल दिया तो आपको थोड़ा टफ लगता है. तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है. ठीक है, दोनों में सेम प्रोसीजर है. आ गई बात समझ में? तो ये नंबर देख के डरा मत करो. क्लियर है? नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करो जो आप नंबर में करते हो. क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन होगा From 3H from the ground. Ground से इतनी height पे. और यदि ये वाला option होता तो ये ground की जगह क्या लिखा होता? Top. तो ये भी option हो सकता. Sorry. No sir, first option. H by, हाँ, first option from the top. तो ये option भी हो सकता था. Clear है? Yes sir. Yes sir. चलो एक और question करोगे? Yes sir. एक बार बता दूं, क्वेश्चन नोट करने से कोई नहीं सीखता है. ठीक है, जितना आप खुद से सॉल्व करोगे उतना ज्यादा सीखोगे. क्लियर है? हाँ, खुद से किया करो. अगर इसको नोट करेंगे तो समझ भी नहीं आएगा, और अगर समझा नहीं. अगर खुद से सॉल्व करो और देखते जाओ इक्वेशन सॉल्व किया, टी की वैल्यू 6 है, मतलब सही जा रहे हैं, है ना. ऐसा पूरा तो मत कॉपी किया करो. और जानबूझ के मैं, याद है ये इक्वेशन क्यों छोड़ता हूँ? देखो यहाँ पे ये इक्वेशन छोड़ दिया मैंने, उसके बाद डायरेक्टली ये इक्वेशन लिखी. क्यों? इसके बाद खुद से करो तुम. ठीक है? चलो बड़े आगे. यस सर. यस सर.
ये लो आपके लिए क्वेश्चन, बढ़िया। देखो क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन तो ठीक है होता रहेगा, क्वेश्चन को समझो पहले। यस सर, हम पेपर में समझ के छोड़ दिया करेंगे, सॉल्यूशन की कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन हो जाएगा बाद में, ठीक है। सर इसका भी अच्छी तरह डायग्राम बनाना पड़ेगा तभी समझ आएगा। अब तो और किसी का डायग्राम ही बनाना पड़ता है वरना समझ में नहीं आता। देखो ये दो भाई थे ए और बी, ठीक है। ए को हमने ऊपर फेंका था कितनी स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड। और इसको क्या किया, ड्रॉप किया, मतलब इसकी स्पीड जीरो। अच्छा टोटल हाइट कितना दिया हुआ है, 200 मीटर। तो इसको हमने लिख दिया 200, है ना। मान लो इसने ट्रेवल किया हाइट h2, कितना ट्रेवल किया h2, और इसने ट्रेवल किया h1। तो ये बात तो क्लियर आपको समझ में आ रही होगी कि h1 प्लस h2 का जो सम है वो कितना होगा, 200 होगा। तो अब हमारे पास एक चीज आइडिया आ गया कि H1 निकाल ले, H2 निकाल ले, दोनों को इस इक्वेशन में रख देंगे, क्लियर है। Yes, sir. हम क्या करेंगे, पहले H1 निकालेंगे, H2 निकालेंगे और फिर इस इक्वेशन में रख देंगे। तो देखो फॉर पार्टिकल A, A पार्टिकल के लिए लिखते हैं। देखो U कितना है बेटा, अब देखो ऊपर वाली साइड कौन सी ले लें, पॉजिटिव, हाँ। तो U कितना है, 50 मीटर पर सेकंड। ए कितना है, हमने माना कि दोनों को टी इक्वल टू जीरो पे फेंका, और कब मिले, टी इक्वल टू टी सेकंड पे मिले, कब मिले, टी इक्वल टू टी सेकंड पे, जब ए कहाँ जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, और बी कहाँ जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। तो अब इन चारों में कौन सी इक्वेशन सही रहेगी, सेकंड। तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं 50t माइनस 5t स्क्वायर, क्लियर है। मैंने 1/2 से 10 कैंसिल कर दिया है, क्लियर है। ये मत सोचना क्या जादू हो गया है ना, चलो सॉल्व करते हैं तो समझ आ जाएगा। फॉर बी के लिए लिखो, यू जीरो है, आवाज किसके यहाँ से आ रही है, चलेगा यार, यू जीरो है। एक्सेलरेशन कितना है, -10। एस कितना है, h2 माइनस h2 नीचे वाली साइड है ना। और टाइम कितना है, टी टाइम। कौन सी इक्वेशन सही रहेगी, सेकंड वाली। तो देखो -h2 इक्वल टू जीरो प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो देखो 2 से कैंसिल कर दूं मैं, 2 से 5t हो, तो और माइनस से माइनस, सर 5t स्क्वायर हो जाएगा, तो h2 इक्वल टू आ जाएगा कितना, 5t स्क्वायर, ठीक है सर, वो आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, दोनों पुट कर दो, तो देखो 50t माइनस 5t स्क्वायर। हाँ बोलो बेटा। सर ए में एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं होगा, क्यों बेटा, अर्थ हमेशा नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है। 4 सेकंड आ गया, ये बताओ सर, सुनो सर आंसर 4 सेकंड। सुनो बेटा, अर्थ हमेशा नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, यस सर, और नीचे वाली साइड हमने नेगेटिव लिया है सर, पर अपन ऊपर फेंक रहे हैं। अरे फेंक कहीं भी रहे, अर्थ किस साइड अट्रैक्ट कर रहा है मुझे ये बताओ, नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा जिस साइड फोर्स होता है, और नीचे वाली डायरेक्शन अपन बोल चुके हैं कि नेगेटिव है, तो बस पार्टिकल कहीं भी जाए, यस सर, जिस साइड फोर्स उस साइड एक्सेलरेशन, और हम बोल चुके हैं कि नीचे वाली साइड नेगेटिव है, ठीक है।
सर माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। क्यों यार, नीचे वाली साइड नेगेटिव है ना भाई, तो अर्थ हमेशा नीचे ही अट्रैक्ट करती है, मुझे यहां तक पता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, यस सर। 50 t इक्वल्स टू कितना हो गया, 100 t इक्वल्स टू आ गया 4 सेकंड। अब 4 सेकंड पे आप हमें निकालना है किस हाइट पे मिलेगा। तो देखो h1 में रख दो कोई ये t इक्वल्स टू 4 h1 में रख दो, तो h1 कितना आ जाएगा, 200 नहीं आएगा h1, t इक्वल्स टू 4 रखो यहाँ पे, कितना 120 मीटर, मतलब ये वाली हाइट कितनी होगी, क्या हो गया 80 मीटर कैसे निकाला। अरे यार टी के वैल्यू रख देना भाई, ऊपर वाली हाइट सर 80 मीटर होगी ना, ठीक है। तो अब देखो 120 मीटर और एच टू कितना आएगा, 80 मीटर, चाहे रख के देख लो, है ना। तो हम आंसर इसको दो टाइप से लिख सकते हैं, 120 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, क्या लिखेंगे 120 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, और 80 मीटर फ्रॉम टॉप। तो ये भी मैटर करता है कि हाइट कहाँ से ली गई है, आ गई बात समझ में। आपका ओनली 120 लिख दोगे तो सही नहीं हो जाएगा, कहाँ से है वो भी लिखना पड़ेगा। सर आपने बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखना पड़ेगा, बिल्कुल हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताना पड़ेगा। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में बोला था एक पार्टिकल को हमने क्या किया, 200 मीटर लॉन्ग है ना, तो 200 मीटर लंबी बिल्डिंग से हमने क्या किया, ड्रॉप किया, और सेम टाइम पे एक पार्टिकल 50 मीटर पर सेकंड से हमने ऊपर की तरफ फेंका, क्लियर है। अब दोनों क्या हुआ कि दोनों मिलेंगे, तो मिलेंगे तो दोनों की जो हाइट का जो सम होगा वो कितना होगा, 200 होगा, ठीक है। क्या दोनों की स्पीड सेम होगी, नहीं होगी। ओ सर स्पीड सेम नहीं होगी ना, तो हाइट सेम होगी मतलब। तो हमने क्या कर दिया, दोनों की जो हाइट का सम है वो कितना कर दिया, 200 कर दिया, ठीक है। फिर हमने ए के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, तो h1 निकाल लिया, फिर h2 निकाल लिया, दोनों को पुट कर दिया, वहां से हमें क्या पता चल गया, टाइम की वैल्यू पता लग गई। तो टाइम की वैल्यू पता लग गई तो फिर हमने क्या देख लिया, हाइट देख लिया, क्लियर है। यस सर, आ गई बात समझ में, यस सर। हां क्या हो गया बेटा, कोई डाउट है टाइम की वैल्यू के बाद? हां टाइम की वैल्यू बेटा, टाइम आ गया। अब हमें h1 निकालना है, तो h1 वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है, इसमें पुट कर देते हैं। तो देखो 50 इंटू 4 माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर, तो देखो कितना होगा 200 माइनस 80, तो कितना आ गया 120 मीटर, ठीक है। या फिर h2 में रख दो, तो h2 में कितना आएगा, ये h1 वाली इक्वेशन है, 400, तो इसमें h2 में रखेंगे तो कितना होगा 4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये आएगा कितना 80, तो obviously ये H2 80 मिल गया, तो नीचे वाला कितना होगा 120 होगा, क्लियर है। अब देखो इसमें यदि टफ लेवल बढ़ाना हो, इसी क्वेश्चन में क्या करना हो, टफ बढ़ाना हो, तो यहाँ पे बोल देंगे सेम टाइम की जगह बोल देंगे एक सेकेंड बाद फेंका, yes, क्या बोल देंगे एक सेकेंड बाद, तो यदि इसको टी टाइम लगेगा तो इसके लिए टाइम कितना होगा, T-1 आ गई बस में, फिर वो प्रोसीजर वही होगा, आ गई बस उनमें, yes, इसके लिए टाइम कम लगेगा, है ना। और फिर क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे इजीली कैंसिल नहीं है, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह यूज हो सकती है, क्लियर है, क्लियर है बेटा, क्लियर है। अब देखो देखो बेटा, देखो सुनो बेटा, जैसे मान लो कोई बस है जो 9 पीएम पे निकलती है और वो सुबह 8 एएम पे इंदौर पहुंच जाती है, कहां पहुंच जाती है, इंदौर। इसको कितना टाइम लगा, 11 घंटे। दूसरी बस इससे एक घंटे बाद स्टार्ट होती है, कितने बजे, आफ्टर 1 पीएम, 1 आवर, तो उसको टाइम कितना लगेगा सेम टाइम पे पहुंचने के लिए,
यदि इसका हमने टी लिया टाइम टी तो इसका कितना होगा -1 क्योंकि एक घंटे बाद चले तो वैसे ही सर, या सर पहले वाले का टी पहले का टी प्लस 1 ले लो दूसरे का टी ले लो देखो बेटा इसने क्या किया एक घंटे बाद स्टार्ट हुआ और उसी टाइम पे पहुंच गया तो इसको टाइम पहले वाले से एक घंटा कम लगेगा ना तो इसीलिए टी माइनस वन मतलब 10 और क्लियर है अब देखो हाँ अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे इक्वेशन ऑफ मोशन तो फिर सामने वाले को बोला है ना कितने उसने बोल दिया कि ढाई घंटे बाद स्टार्ट होती है तो दूसरे वाले को ढाई घंटे कम लगेंगे यदि सेम टाइम पे पहुंच रहा है तो क्लियर है जैसे बोल दिया कि एक बस 8 PM पे निकलती है और 8 AM पे पहुंच जाती है दूसरी बस ढाई घंटे बाद निकलती है कितने घंटे बाद ढाई घंटे बाद और वो भी 8 AM पे पहुंच जाती है तो दूसरी बस ने कितना टाइम लिया होगा जाने में -1 देखो इसने कितना लिया 12 घंटे लिया तो ये वाली क्या लेगी ढाई घंटे कम लेगी मतलब 12 - 2.5 मतलब कितना घंटे लेगी 9.5 क्लियर है या फिर इसको ऐसे जोड़ लो 8 PM तो ये वाली बस स्टार्ट हुई की 10.5 PM पे ठीक है यहां से 8 PM तक का टाइम देख लो तो भी आंसर वही आएगा क्लियर है Yes, अब देखो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करते हैं क्लियर है yes, इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ हम दो मेथड से कर सकते हैं कितने मेथड से दो में एक ये नॉर्मल मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड क्लियर है दोनों मेथड सही हैं लेकिन यदि आपके स्कूल में कोई एग्जाम होते हैं तो स्कूल में वो वाला करना जो स्कूल में करवाया आ गई बात समझ में हाँ अपन दोनों करवाए हाँ तो दोनों मेथड सही है आगे बस में किसी के स्कूल में यदि ग्राफिकल करवाए तो ग्राफिकल से ही मार्क्स देंगे पर किसी ठीक है उसमें आप उनसे वो नहीं कर सकते हो डिबेट ठीक है उन्होंने जो करवाया उसी के मार्क्स देंगे वो क्लियर है अब देखो है ना यदि कोई बॉडी एक एक बात यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ रही है कैसी हो रही है यूनिफॉर्मली मान लो यहाँ पे स्पीड कितनी है उसकी 10 कुछ टाइम के बाद 20 है तो एवरेज स्पीड हम क्या लिख सकते हैं v1 प्लस v2 बाय 2 ले सकते हैं लेकिन कौन सी कंडीशन से जब एक्सेलरेशन क्या हो यूनिफॉर्म हो ठीक है तभी हम एवरेज स्पीड क्या ले सकते हैं v1 प्लस v2 बाय 2 ले सकते हैं क्लियर है यदि कोई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है जैसे देखो वैसे तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है ना लेकिन एवरेज वेलोसिटी हां लेकिन कब कंडीशन क्या है एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए तो हम इजीली बोल सकते हैं कि इधर 10 है इधर 20 है तो बीच में का कितना होगा 15 होगा क्लियर है लेकिन कब जब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन शो करता है और सॉरी यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन शो करता है नॉन यूनिफॉर्म कर्व कर्व करता है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे ग्राफ में, हाँ ग्राफ में वो भी कर्व कैसा होगा वो भी अपन डिस्कस करेंगे ठीक है तो देखो आपको स्कूल में यदि लिखना है तो आपको कहानी लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा कहानी कहानी क्या होती है ठीक है अ पार्टिकल मैं लिख देता हूँ अ पार्टिकल हाँ कौन से तीनों अभी पहले अपन वो तो बना ले बैकग्राउंड है ना अ पार्टिकल स्टार्ट मोशन या पार्टिकल मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड है ना या ओनली u भी लिखोगे ठीक है विथ एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर t सेकेंड्स वेलोसिटी विल बिकम v
एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट है ना, एस मीटर। क्लियर है ये बात आ गई समझ में? स्कूल में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? ये तो लिखना है ना आपको, ये तो आपको लिखना पड़ेगा। ए क्या है, यू क्या है, जब भी कोई भी चीज प्रूफ करते हो ना तो ये सब लिखना पड़ता है, तभी मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है? हाँ, तीनों इक्वेशन में ये काम करता है। आ गई बात समझ में? ये लिखा आपने? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको यहाँ पे लिखना है फॉर इक्वेशन वन प्रूफ करते हैं। वी नो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, डेफिनेशन ऑफ क्या होता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन? v माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, हां, t अपॉन टाइम टेकन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे s मीटर है सर ऊपर, ठीक है, u माइनस v बाय t। तो a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? v माइनस u बाय t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, at इक्वल्स कितना हो गया? v माइनस u, U को इधर भेज दो, U plus AT equals to V, तो इसको हम लिख सकते हैं V equals to U plus AT। हो गई फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ? Yes sir. Yes sir. लेकिन यहाँ पे जैसे acceleration, we know definition of acceleration, तो यहाँ पे definition लिखना भी है। आ गई बात समझ में? Okay sir. Clear है? Note करना है? Yes sir. कर लो note. Yes sir. मैं बोल देता हूँ पहले एक बार। A particle moving with initial velocity u meter per second with acceleration a meter per second square after t second velocity will become v and displacement travel is s meter। Clear है? Yes sir. We know definition of acceleration, ठीक है, acceleration is equal to rate of change of velocity, तो a equals to change in velocity upon time। Change in velocity क्या होता है? Final velocity minus initial velocity upon time। फाइनल वेलोसिटी आपका बोल चुके हैं हम v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो v माइनस u बाई t क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व कर लिया। आ गई बात समझ में? यस सर, ओके। वेलोसिटी विल बिकम v1 लिखा या फिर v t कॉमा है, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इज s मीटर। नेक्स्ट बताइए। ठीक है, लिख लिया। हाँ, अब देखो हम बोल देते हैं एवरेज वेलोसिटी इन, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी व्हेन, प्लीज शो द प्रीवियस स्लाइड फॉर वन सेकेंड। हाँ बेटा, कोई भी एक इक्वेशन थ्री मार्क्स में आ जाती है, फाइव मार्क्स में तीनों आ जाती है, ठीक है। सर, वी आर प्रूविंग सेकंड इक्वेशन। अभी पहले ये कॉमन है, दोनों में करना है। एवरेज वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? v प्लस u बाई टू, है ना, तो हम डिस्प्लेसमेंट को जो लिख सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपका s है, s इक्वल्स टू v प्लस u डिवाइड बाई टू इनटू टाइम। यहां तक आया सब समझ में? इस इक्वेशन को कोई भी हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दें? एक्स जेड इक्वेशन, है ना, कोई भी अच्छा सा नाम दे देते हैं। यहां तक आया बेटा सबको समझ में? यस सर। अब देखो, अच्छा सेकंड इक्वेशन है क्या, वो तो पता होना चाहिए। क्या होती है सेकंड इक्वेशन?
इस इक्वेशन में हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है जिसको हटाना है? देखो हमारे पास इक्वेशन z में क्या है एक्स्ट्रा जो हमें नहीं चाहिए, है ना? तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा हमें v नहीं चाहिए तो v को हटा दो। तो इक्वेशन वन क्या होती है? तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, v हटाना है। क्लियर है? अच्छा सर, u प्लस 80 रख देंगे v की जगह। हाँ तो देखो s इक्वल्स टू u प्लस 80 लिखा। पहले फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो बेटा यहाँ तक तो समझ में आया हमारे पास, ये वाली इक्वेशन तो आपको बनाना है। क्लियर है? अब हमें फर्स्ट इक्वेशन तो सेकेंड इक्वेशन पता होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ है, है ना? तो हमने देखा कि हमें s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर चाहिए, मतलब हमें क्या नहीं चाहिए, v नहीं चाहिए। आ गई बात समझ में? मतलब हमें यह समझ में आ गया कि v को हटाना है। क्या करना है? v को हटाना है। तो v को हटा दो। कौन सी इक्वेशन से हटाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन से। तो v की वैल्यू, v की वैल्यू हाँ लिखना पड़ेगा ना, तभी तो लिखना पड़ेगा v इक्वल टू u। हाँ लिखना पड़ेगा तभी ना हटाओगे। तो बेटा ये रखा, तो देखो ये हमने v की वैल्यू रख दी प्लस u वैसा का वैसा ही अपॉन 2 इनटू कितना है t। अब देखो यहाँ u प्लस u कितने u हो गए? 2u प्लस 80 अपॉन 2 इनटू t। अच्छा t का मल्टीप्लाई कर दो अंदर। u प्लस 80 के बाद आपने u को बेटा 2u है ना, ये वाला तो u है ना, ये वाला तो ये वाला u है और v की जगह ये वाला v है। बाहर से कैसे आया? ये v है। समझ में आया सर? बाहर से आया। क्या हो गया बेटा? सर मल्टी कर ले। अरे u प्लस u 2u हो गए ना, 80 बाय 2 सेपरेट करके 2u को 2 से काट सकते हैं ना। हाँ ठीक है भाई। तो अब देखो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया आपका? ut प्लस 80। आ गई बात समझ में? यस सर। है ना? तो ये इक्वेशन बस याद रखो और यहां से ये देख लो किसको हटाना है। क्लियर है? तो ऑटोमेटिकली आपका सही होता चला जाएगा। क्या हो गया? पूरा कॉपी करना है। हाँ बिल्कुल करना है। टू से टू कट गया यूटी पे। आपको ये सर नोट पे भेजोगे? आपने ये कैसे लिखा 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2? बेटा ये है ना t का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये t ब्रैकेट के बाहर था। सर आप इसकी सर नोट भी भेज देना सर ग्रुप पर। बिल्कुल भेज देंगे। तो टी का मल्टीप्लाई पुट कर दो तो 2ut हो जाएगा और 80 यहाँ पे एक ऑलरेडी t है और एक और t आ गया तो t कितना हो गया? स्क्वायर हो गया। क्लियर है? और ये दोनों के अपॉन में था इसलिए इसको अलग अलग अपॉन में कर दिया। क्लियर है? क्या हो गया बेटा? चलो मैं बता दूंगा, है ना? अच्छा एक बार बताओ थर्ड इक्वेशन क्या है? अब अच्छा बताओ यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है जो हमें इस इक्वेशन में, एक्स्ट्रा क्या है जो हमें थर्ड इक्वेशन में नहीं चाहिए? तो टी को हटाएंगे, है ना? फॉर टाइम इक्वेशन वैल्यू v इक्वल्स टू u प्लस 80 होता है। यस सर। तो देखो v माइनस u डिवाइड बाय a इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं? टी। ये वाली t की वैल्यू इस t की जगह पे रख देते हैं, है ना? तो a इक्वल्स टू v प्लस u बाय 2 और t के प्लस पे लिख दिया v माइनस u बाय a। सर अब ये सेकंड वाला लास्ट वाला सुधार सकते हैं? देखो बेटा हमें यहाँ पे देखो कि हमें थर्ड इक्वेशन ये वाली चाहिए। हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है जो हमें थर्ड इक्वेशन में नहीं चाहिए? देखो टाइम। तो टाइम को हटाना है। ये बात तो आ गई समझ में कि टाइम को हटाना है। तो इक्वेशन वन से टाइम को हटा देते हैं। यस सर। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? v माइनस यू बाई ए। क्लियर है? देखो u को इधर लाया तो माइनस u हो गया और ये को अपॉन में भेज दिया।
तो यहाँ पे ये जो टी की वैल्यू है ये उठा करके हमने यहाँ पे रख दी, क्लियर है? थर्ड इक्वेशन वाला एक बार फिर बता दें। यस सर। ओके सर। तो अब देखो v प्लस यू v माइनस यू तो क्या हो गया सर? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और टू इनटू है सर v प्लस v माइनस यू कैसे हुआ? अरे यार v प्लस ये तो पहले था और t की वैल्यू शुरू कर दिया ये जो वैल्यू है ये टी का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है? टी का, और ये तो पहले से था सर, तो आ गई अब इसकी वैल्यू, वो मतलब बन गई थर्ड इक्वेशन, बस बन गई और क्या। तो देखो ध्यान क्या रखना है, इम्पोर्टेंट चीज, आपको ये इक्वेशन बनाना है, क्लियर है? बस यहाँ पे देख लो क्या हटाना है वो हटा दो, ऑटोमेटिकली आप सही जगह पे पहुंच जाओगे। सर मतलब सर पहली इक्वेशन से सर अपन और बाकी की दोनों हाँ, बना सकते हैं, लेकिन आपको ये वाली इक्वेशन बनाना है, कौन सी? जेड वाली, ठीक है? जेड वाली हाँ। अब फिर यहाँ पे देखना है क्या हटाना है, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में क्या नहीं चाहिए, सेकेंड इक्वेशन में वी नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो v को हटा देंगे, v की वैल्यू रख देंगे, तो हम सेकंड इक्वेशन में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, थर्ड इक्वेशन वापस से देखो, हमारे पास एवरेज वाली ये वाली इक्वेशन समझ में आई थी सबको? सर ये आप इक्वेशन फिर से समझा दोगे? ये वाली इक्वेशन सबको समझ में आई? ठीक है, अच्छा अब हमें ये बताओ थर्ड इक्वेशन क्या होती है? हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है जिसको हमें हटाना है, जो हमें नहीं चाहिए? तो हमें क्या हटाना है? टी को रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव करना है। तो देखो वी इक्वल टू क्या होता है? तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी? वी माइनस यू V minus U upon A. ये वाली वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे रख दें, क्लियर है? तो A is equal to देखो V plus U वैसा का वैसा, two वैसा का वैसा, और T के प्लेस पे क्या रख दें? V minus U upon A. Minus U upon A. तो ये बन गया V plus U V minus U, मतलब A plus B A minus B क्या होता है? A square minus B square होता है? Yes sir. तो V square minus बस अब तो हो ही गया। कोई दिक्कत है? नो सर। एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? एक पूछेंगे तो 3 मार्क्स का, तीनों पूछेंगे तो 5 मार्क्स का, क्लियर है? अगर सर डायरेक्ट थर्ड सेकंड से थर्ड निकलेगा, डायरेक्ट फर्स्ट से नहीं निकल पाएगा, डायरेक्ट से ऐसे नहीं निकल पाएगा, वो क्लिक नहीं होगा, ठीक है? अब देखो बेटा यदि हमें सेकंड इक्वेशन प्रूफ करना है, तो सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है जो हमें नहीं चाहिए? तो वी को हटाना है, तो वी इक्वल टू क्या होता है? ये इक्वेशन सब में लगेगी। हाँ, यहाँ पे वी का वैल्यू यू प्लस एटी रख दोगे, तो A is equals to देखो V का वैल्यू कितना है? U plus 80 है, U plus 80 plus हाँ, और देखो ये वाला U तो पहले से upon 2 भी पहले से into T भी पहले से, क्लियर है? Yes sir। अब U plus U कितने U हो गए? 2U U plus 80 by 2 upon into T, T का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया? 2UT और टी स्क्वायर अपॉन टू, ये टू को अलग अलग अपॉन में कर दोगे तो आ गया यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर, क्लियर है? तीनों इक्वेशन आ गई समझ में? यस सर। अब ये इक्वेशन प्रूफ करने के लिए पहले फर्स्ट इक्वेशन भी प्रूफ करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, प्रूफ करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में सर ऐसा क्वेश्चन आता है, सर पिछला वाला समझ, तो सर हम सर उसको डायरेक्ट कैसे प्रूफ करेंगे? क्या हो गया बेटा? सर जैसे सर अगर एग्जाम में आता है प्रूफ द थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन तो आपको ये नहीं लिखना है, ये नहीं करना है, फर्स्ट इक्वेशन वाला पार्ट नहीं करना है, क्लियर है? थर्ड इक्वेशन वाला पार्ट नहीं करना है डायरेक्टली, ये सब तो करना ही है, इसके बाद से डायरेक्टली आप
इधर चले जाओ, क्लियर है? ये सेकंड वाला पार्ट नहीं करना है, क्लियर है? ओके सर, ओके सर, प्लीज टू नेक्स्ट लाइफ यही वाली तो नेक्स्ट है, इससे ये तो वही है ना, वही वाली चीज तो एक्सप्लेन किया है मैंने जो यहाँ पे किया है। एवरेज वेलोसिटी व्हेन ए इज कांस्टेंट और ये सकते हैं s इज इक्वल टू v u अपॉन 2a। हां, ये लिख सकते हैं कब, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तभी हम ये यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये इक्वेशन यूज किया। और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू v plus u by 2 into time t, बस। ओके सर, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एवरेज वेलोसिटी निकालने, तो हम v plus u upon 2 कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा वही वाला फॉर्मूला ज्यादा बेटर है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, टोटल टाइम निकाल लो, डिवाइड कर दो, ठीक, क्लियर है? उसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं हमें, ठीक है? इसकी कंडीशन है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है? Yes, sir. तो इसलिए बिना कंडीशन वाली चीजें याद रखा करो, कंडीशन वाली कम याद रखा करो, ठीक है? थर्ड को भी रिकॉर्ड करने से कर सकते हैं ना? क्या बेटा? सर, हम थर्ड को भी रिकॉर्ड करने से कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, ठीक है, इसी से करो, ठीक है? बाकी ग्राफिकल मेथड से भी बताएंगे, क्लियर है? लेकिन बेटा वहाँ टी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बहुत बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है? जैसे इस इक्वेशन में भी, थर्ड इक्वेशन में टी का वैल्यू आप यहाँ से निकाल के रख दो, लेकिन टी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आएगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है? हाँ, उसका बहुत बड़ा इक्वेशन आ जाएगा, क्लियर है? ठीक है, चलो, और कोई यहाँ तक आ गया बेटा, प्रूफ समझ में आ गया? यस सर, यस सर। अच्छा, एसेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एस एस माइनस U plus A by 2 U plus A by 2 bracket 2 and minus 1 bracket 1, ठीक है? इसमें भी ये फॉर्मूला, यदि कोई पूछे कहां से आया, तो इसका भी प्रूफ मैंने दिया है नोट्स में, किसी ने देखा हो तो। हाँ हाँ, दिया था, ठीक है, दिया था, तो उसमें देख लेना, दिया था सर, आ गई बस में। उसका प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी के मन में यदि जिज्ञासा हो, है ना, तो वहां पे जाके देख ले, क्लियर है? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है? Yes, sir. सर, हमारे ये चैप्टर मोशन का लास्ट टॉपिक क्या है? लास्ट टॉपिक ग्राफ पढ़ेंगे ना बेटा अपन, ग्राफ पढ़ेंगे सर, चैप्टर खत्म होने ही वाला है ना। हाँ, ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है ये वाला, एक मिनट, इसमें कुछ डेटा अब्सेंट है, वो लिख देता हूँ। यस सर, सर एक ही चीज़ है, स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड है ना, इतना दिया यहाँ पे, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। अरे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना?
यस सर, ये तो ऊपर चढ़ गया सर। क्वेश्चन बताओ क्या करेंगे सर। सर लेकिन ये समझ नहीं आ रहा सर, मतलब गन शुड बी एम्ड मतलब ऊपर कैसे? सोचो, वही तो सोचना है। सर एम्ड क्या मतलब? देखो निशाना सर 100 मीटर दूर है। हाँ क्या हो गया? 100 मीटर दूर है सर। हाँ सर, ये जी क्या है? जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हवा में मार रहा है क्या? देखो सुनो, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये है बेटा कि ये एक सर ऑप्शन सी है क्या? पहले क्वेश्चन समझो, आंसर तो आ जाएगा यार। आंसर की चिंता भी मत करो। सर टारगेट कितना अच्छा लग रहा है। अब मान लो कोई पर्सन को यहाँ से टारगेट करना था, क्लियर है? यदि वो यहाँ से फायर कर दिया मान लो बुलेट, तो बुलेट क्या सीधा जाएगा? बुलेट तो नीचे लगेगा, ठीक है? तो देखो तो हमें क्या करना है कि थोड़ा सा ऊपर टारगेट करना पड़ेगा। कहाँ टारगेट करना पड़ेगा? ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ताकि जब जब बुलेट नीचे आएगा तो वो कहाँ लगेगा? सीधा टारगेट में लगेगा, सेंटर में। यस सर। तो पहले अपन निकालते हैं बुलेट को यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? स्पीड दिया हुआ है 1000, है ना? डिस्टेंस दिया हुआ है 100 और टाइम दिया हुआ है टी। तो टी इक्वल टू आ जाएगा कितना? 0.1 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 0.1 सेकेंड। अब हम ये निकालें कि 1 सेकेंड में ये जो बुलेट है वो नीचे कितना आएगा। 1 सेकेंड में बुलेट नीचे कितना आएगा? देखो एस इक्वल टू क्या निकालेंगे? क्योंकि बेटा 1 सेकेंड ही तो लग रहा है उसको वहां तक जाने में। उसको जाने में कितना टाइम लग रहा है? 0.1 सेकेंड। इधर उधर बैठ रहा नहीं हो रहा, खराब भी हो रहा। हमें ये निकालना है कि आपका जो आंसर है आपको बुलेट से कितनी ऊपर 5 सेंटीमीटर ऊपर आपको एमिंग करना है, क्लियर है? कितना ऊपर करना है? सर देखो तो नीचे जा रहा है ना, तो नीचे जा रहा है ना, माइनस 5 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है। ऊपर वाली साइड पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव है ना। वो मीटर स्क्वायर होगा ना सर? क्या कैसे निकाला आपने इस फॉर्मूले से? सुनो पहले अपन देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसको बुलेट को एम तक जाने में कितना टाइम लग रहा था? 0.1 सेकंड। अब ये देखो कि 0.1 सेकंड में बुलेट नीचे भी तो जाएगा या नहीं जाएगा? Yes, sir, जाएगा, नीचे भी तो जाएगा। जितना नीचे जाएगा उतने ऊपर अपन टारगेट सेट कर लें। आ गई बात? तो हमें देखना है कि बुलेट 0.1 सेकंड में नीचे कितना गिरता है। तो नीचे कितना गिरेगा, तो यू कितना है उसका वर्टिकल वेलोसिटी के लिए? 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है क्या उसका? नहीं है। एक्सेलरेशन कितना है? -10। डिस्प्लेसमेंट हमें 0, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा हमने वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन में दिया ना, नीचे की ओर नहीं लग रहा सर। नीचे की वाई तो कोई वेलोसिटी नहीं है ना उसका। सर 0.01 का क्या हुआ है? सेंटीमीटर कहाँ से आएगा ये? सेंटीमीटर सर वो 5। ओके सर, वो 5 मीटर है तो 5 सेंटीमीटर हो गया।
सर इस फॉर्मूले से निकला सर समझ में नहीं आया क्या हो गया सर सी 5 सेंटीमीटर सर इस फॉर्मूले से कैसे निकला हमने कैसे फाइंड किया -5 सेंटीमीटर तो हमें इतना ऊपर लगाना पड़ेगा इधर देखो आपने मान लो कोई पार्टिकल सीधा फेंका चलो एक मिनट अपन कुछ अच्छे नंबर लेके करते हैं ठीक है मान लो आपने एक यहाँ पे एक पार्टिकल को पत्थर को फेंका ठीक है इसकी इस साइड वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है सीधा फेंका आपने कितनी स्पीड से ये वाली डिस्टेंस आपने ले ली 100 मीटर कितनी ले ली 100 मीटर और आपने फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से तो कितने टाइम में पहुंचेगा 5 सेकंड में लेकिन वो क्या सीधा जाएगा नहीं सर थोड़ा सीधा तो जाएगा यानी थोड़ा नीचे जाएगा ग्रेविटी की वजह से तो नीचे जाएगा तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना नीचे जाएगा क्या निकालना है वो कितना नीचे जाएगा कितने टाइम में 5 सेकंड तो मान लो हमारा ये डिस्टेंस आ गया 10 मीटर कितना आ गया 10 मीटर तो हम क्या करेंगे उसको 10 मीटर ऊपर फेंकने की कोशिश करेंगे ताकि वो वापस से सही जगह लगे क्लियर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण सर नीचे आ रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण 5 सेकंड में कितना नीचे आएगा कि वही फार्मूला लगेगा ये कैसे फार्मूला लगेगा हमें एस निकालना है क्या निकालना है एस निकालना है एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है तो गिवन लिखो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा यू जीरो है वर्टिकल डायरेक्शन में ठीक है एक्सेलरेशन 10 होता है डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है टाइम हमें पता है क्लियर है तो सर ये आएगा 5 सेंटीमीटर अबव द टारगेट हां मतलब आपको हां मतलब आपको यहां पे ये वाला डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर मतलब आपको जस्ट यहां पे नहीं थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर ऊपर एमिंग करना है तब जाके वो क्या होगा